जय जिनेन्द्र, जय महावीर, जय आचार्य श्री विद्यासागर जी। तुम्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। रात्रि को 3:30 बजे मुझको आचार्य श्री के देवलोक गमन का समाचार मिला। उसके पश्चात सोना मुश्किल हो गया। सुबह से ही पूरे देश से संदेश आ रहे हैं। सुबह 8 बजे आचार्य श्री बालकृष्ण जी पतंजलि के, उनका फोन आया। उन्होंने कहा, मरिंद्र अच्छा हुआ हम लोग कल अगर चले जाते आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए। कल मुझको और उनको साथ में जाना था वहां पर बताया गया कि आचार्य श्री का उपवास है, वो कोई दवा नहीं लेंगे, तो हम लोगों ने प्रोग्राम को कैंसिल किया। पर हम लोगों को ऐसा नहीं पता था कि इतनी जल्दी आचार्य श्री हमको छोड़ करके चले जाएंगे। आचार्य श्री का मेरे समस्त परिवार, श्री धन्य कुमार जैन जो जज थे, जिनको आचार्य श्री ने शास्त्र भेंट करते हुए कहा था कि शिखर जी के बारे में जो आपने कहा था उसको हम लोग भूल नहीं सकते, मेरे बड़े भाई रविंद्र जैन जी, उनके ऊपर बहुत आशीर्वाद। और मुझको भी कई बार आचार्य श्री से चर्चा करके उनका मार्गदर्शन मिला। एक बार मैं अन्ना जी को लेकर के उनके पास गया था। वहां पे काफी चर्चा के बाद आचार्य श्री ने हथकरघा की जो चीजें हमको दिखाई, और आज मैं सौभाग्यशाली हूँ उन्हीं को की दी हुई ये जैकेट मैं पहने हुए हूँ। और जब अन्ना जी ने उनसे कहा कि आप मुफ्त में ही हम लोगों को चीजें दे रहे हैं, तो उन्होंने हंस करके कहा, आप जैसे लोगों को चीज देने से तो और उसकी उन्नति का कारण बनता है। उनकी ताप, तप, तपस्या, उनके द्वारा किए गए कार्य, गौशाला के, हथकरघा के, और इंडिया को भारत बनाने का जो उनका संकल्प था, वो सब हम लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन लेकर के आए हैं। हम कभी भी उनके ऋणों से उऋण नहीं हो पाएंगे, तथा हम सभी की, विशेषकर महासमिति की, जिसमें उन्होंने श्री लगा करके इसको श्री दिगंबर जैन महासमिति बनाया था, उनकी यादों को हम भूल नहीं पाएंगे, तथा समस्त श्री दिगंबर जैन महासमिति उनके चरणों में त्रिबार नमोस्तु करती है, तथा प्रार्थना करते हैं कि वो सिद्ध शिला पर शीघ्र ही पहुंचेंगे।